उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में आज भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। पहाड़ खूबसूरत तो दिखते हैं, लेकिन यहाँ रहना भी चुनौतीपूर्ण है। ठंडी हवाएं और हरे भरे जंगल आकर्षित तो करते हैं, लेकिन आपदाएं भी कभी भी गांव में तबाही ले आती हैं। हिमालय के नज़दीक जितना सौंदर्य बिखरा है, उतना ही कठिन यहाँ का जीवन भी है। चमोली जिले का सीमांत गांव कनोल भी इसकी एक बानगी है। हिमालय पर्वत चोटियों के नजदीक बसा कनोल गांव सालों से आपदा की मुश्किलें झेल रहा है। पहले 2013 और फिर 2016 में आए बड़े भूस्खलन के बाद गांव खतरे में है। राज्य सरकार ने कुछ परिवारों का पुनर्वास तो किया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इरसूल और नंदा घुंगटी पर्वत चोटियों की तलहटी में कनोल गांव बसा है। इस गांव का एक तोक है बड़गुना, जो कनोल से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। बड़गुना से त्रिशूल और नंदा घुंगटी बिल्कुल नज़दीक हैं, जैसे कि आप हाथ बढ़ाकर छू लेंगे। कनोल गांव तो सड़क से जुड़ चुका है, लेकिन बड़गुना तक अभी सड़क नहीं पहुंची है। गांव में जब हम पहुंचे तो द्वारी माता की देवरा यात्रा आई थी। अमूमन भक्त जो है वो भगवान और देवी के पास मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे उत्तराखंड में ऐसी भी यात्राएं हैं जब खुद देवी या देवता अपने भक्तों से गांव में मिलने जाते हैं। ऐसे ही यात्रा नंदा देवी की लोकजात है। ऐसी हमारी जो लाता की नंदा है वो भी देवरा यात्रा में निकलती है। टिहरी में, रुद्रप्रयाग, चमोली देवी देवता अपने भक्तों से मिलने के लिए गांव-गांव जाती है। कहीं 6 महीने लगते हैं उसके भ्रमण में, कहीं पर 3 महीने लगते हैं। तो ये जो क्षेत्र है घाट का, जो घाट विकास खंड है, वहाँ की एक लाखी जो ग्राम सभा है, वहाँ की देवी है द्वारी देवी। तो द्वारी देवी भी तमाम गांवों से मिलते हुए एक ब्लॉक से, एक गांव से दूसरे गांव की तरफ बढ़ रही है। और ये केवल देवी का भ्रमण नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक सामाजिक यात्रा भी कही जाती है। जब तमाम लोग गांव में जो रहते हैं और बाहर से भी उस समय आते हैं, जो बेटियां हैं, जो ध्याणियां हैं, वो मिलने आती हैं, और एक ऐसा आयोजन हो जाता है जो सामाजिक समरसता का भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक उदाहरण पेश करता है। तो द्वारी देवी बड़गुना गांव में है। समय है करीब 1 बजे का, और अभी एक खूबसूरत नृत्य का आयोजन हो रहा है। रात को पत्र जो नृत्य होते हैं उसका आयोजन होता है, वो भी एक सांस्कृतिक रूप से बहुत अमूल्य धरोहर है उत्तराखंड की। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में देवी देवता भी यात्रा करते हैं, और इसे देवरा यात्रा कहा जाता है। देवताओं को जब अपने भक्तों से मिलना होता है तो वो गांव-गांव जाकर यात्रा करते हैं। इस समय ग्रामीण अपनी ब्याही बेटियों को भी बुलाते हैं, जिन्हें ध्याणियां भी कहते हैं। मुख्य चौक में पांडव नृत्य का आयोजन हो रहा है, जिसमें महाभारत काल की कहानी को नृत्यों और जागरों के माध्यम से बताया जाता है। इसमें कलाकार 5ों पांडव बनते हैं, और साथ ही माता कुंती और द्रौपदी भी साथ होती हैं। द्वारी माता की देवरा यात्रा में हर गांव में पांडव और मुखोटा नृत्य आयोजित किए जाते हैं। यह एक धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक मिलन का एक अनोखा उदाहरण है। जो भी यहाँ पर ब्याही गई है, ससुराल है जिसका भी, उनके घरों में जाते हैं, उनका मेल मिलाप होता है। वहाँ डोली खुद ब खुद जाती है, और ये लोग भी जाते हैं। इनके जो 5 भाई पांडव हैं, इनके पशुआ होते हैं, डंगरिया होते हैं, ये भी जाते हैं। और इसी बहाने एक धार्मिक मिलन, एक सांस्कृतिक मिलन और एक पारिवारिक मिलन भी हो जाता है। और फिर डोली फिर से पंचायती चौक में आती है, और एक खूबसूरत पनवाणी का नृत्य हमें दिखाते हैं, और जिसको कि एक उत्तराखंड कला मंच की तरफ से हमारे सरकार भी उठाना चाह रही है, और जो इनके ढोल वादक हैं, जिनको भान कहते हैं इनकी भाषाओं में, तो वो बहुत अच्छे इसके कलाकार हैं, वही पूरा ऑपरेट करते हैं, एक डायरेक्टर हैं इस मेले के, तो वो इसको संचालित कर रहे हैं। वो उत्तराखंड कला मंच में वो ढोल वादक भी हैं, और
श्रीमान प्रीतम वर्धमान जी के साथ भी वो रहते हैं। पुराने समय में जब मनोरंजन के साधन कम हुआ करते थे तो उस समय ग्रामीण मेले और धार्मिक आयोजन से ही अपना मनोरंजन भी पूरा करते थे। अभी जो आप देख रहे हैं नृत्य, उसको पांडव नृत्य कहते हैं और हम रुद्रप्रयाग में, चमोली में, टिहरी में, उत्तरकाशी, कई जगह पांडव नृत्य आयोजित किए जाते हैं। जब द्वारी माता अपने लाखी ग्राम पंचायत से प्रस्थान करती है तो हर गांव में इसी तरीके से पांडव नृत्य होते हैं। अब इसमें पांचों पांडवों के साथ साथ माता कुंती और द्रौपदी भी हैं और वो अपनी भाषा में तमाम जो महाभारत के समय की चीज़ें हैं उनका जिक्र हो रहा है। और पांडव नृत्य के बाद ये जो यात्रा है, यानी जो देवरा यात्रा है द्वारी माता की, वो बड़गुना गांव से जो देवाल ब्लॉक है वाण गांव, वहां की तरफ प्रस्थान करेगी। इस गांव की समस्याएं भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भूस्खलन इस गांव को अपनी चपेट में ले रहा है, रोजगार के साधन बेहद कम हैं, जंगली जानवरों का भी आतंक है। ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं कई बार सरकार को बताई और हमारे सामने भी रखी। तो मेरा यही निवेदन होगा कि आप हमारी जो पीड़ा है, गांव की पीड़ा मीन है शिक्षा। अब हमारे यहाँ बच्चे यहाँ से जाते हैं, देख रहे हैं आप, वहाँ जाते हैं शर्मा प्राणमती से, छोटे छोटे बच्चे। तो बुनियादी उसमें आप जूनियर है स्कूल, एक आंगनबाड़ी भी वो उधर है गदरे पार, 105 परिवार हमारे ये बड़गुना तोक में हैं, जो ये ग्राम पंचायत कंदोल के अंदर एक बहुत बड़ा तोक है बड़गुना। यहाँ पे पॉपुलेशन 600-700 के आसपास है, तो यहाँ पे आंगनबाड़ी और जूनियर हाई स्कूल जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। तो ये चीज़ें अगर यहाँ पे डेवलप हो जाए तो ये बहुत बड़ा वरदान इस गांव के लिए साबित हो सकता है। और कच्चे रास्ते हैं, उनको अगर सुधारीकरण हो सकता है तो एक बहुत बड़ी बात हो सकती है कि हमारे गाँव में एक तो जड़ी बूटी का कार्यक्रम हो सकता है, उद्यानीकरण हो सकता है। और जंगल के पास हमारा जंगल है, जिसका जंगल बल उसका मंगल, निशाब जी अकाडमी करो, जिसका जंगल बल उसको मंगल। हमारे यहाँ जो लादो होता है प्रत्येक बहु बेटियाँ जाती हैं, 3 महीने बाद 6 महीने बाद वो गिरता ही रहता है और सब प्रत्येक बहु बेटी लाती है उसको, न टहनी काटते न पेड़ काटते, गिरता है तो लाते हैं, उसकी दोहन की व्यवस्था की जाए। जड़ी बूटी उत्पादन के क्षेत्र में ये गांव काफी तरक्की कर रहा है, इसमें जंगली जानवरों का भी खतरा नहीं है। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र न होने से भी लोगों को इलाज के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। कनोल में सालों पहले आयुर्वेदिक अस्पताल बन चुका है लेकिन हालत बहुत ही खस्ताहाल है। 20 परिवारों के इस छोटे से गाँव में पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। यहाँ से आप आली, बेदनी और मुनियाल टॉप जैसे खूबसूरत बुग्यालों की सैर पर निकल सकते हैं। साथ ही आप नंदा देवी यात्रा के दो अंतिम गांव सुतोल और वाण भी जा सकते हैं। सामने जो दो पीक दिख रही हैं, माउंट जो त्रिशूल और माउंट नंदा घुंगटी, ये त्रिशूल गढ़वाल हिमालय की जो बेहतरीन खूबसूरत चोटियां हैं उनमें से एक हैं। माउंट त्रिशूल जो है वो 7100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और चौखंबा, माउंट त्रिशूल, केदारनाथ जो हाथी घोड़ा है और पंचाचुली, नंदा देवी, ये ऐसी पीक्स हैं कि आप पूरे गढ़वाल कुमाऊं से स्पष्ट दिखती हैं। हालांकि कुमाऊं से उसका थोड़ा सा जो सेप है वो अलग दिखता है और गढ़वाल से थोड़ा अलग दिखता है, ग्वालदम से भी बहुत खूबसूरत दिखती है। और यहाँ से बड़गुना गाँव से तो ऐसा लगता है कि हम हाथ बढ़ाएं और जो त्रिशूल पर्वत है उसको छू लें। उसके बगल में नंदा घुंगटी पीक है और इसी के जड़ में हर 12 साल और उससे अधिक समय में नंदा देवी राजजात यात्रा है, उसका समापन होता है, जो त्रिशूल के बेस नीचे तलहटी से होते हुए आगे बढ़ती है। इस समय दुखद बात यह है कि जब इनके इन जो महाहिमालय के नीचे की जो पहाड़ियां हैं और आसपास के जो जंगल हैं या गांव हैं, इनमें बर्फबारी दिखाई देनी चाहिए थी, वो इस समय नहीं दिख रही है। जनवरी का महीना आधा बीत चुका है और अब तक इस पूरे इलाके में जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। जब बर्फबारी इस समय नहीं होती है, उसका सीधा असर हमारे ग्लेशियर्स पर, हमारे जो नेचुरल रिचार्ज हैं, स्प्रिंग्स हैं, उन पर पड़ता है। और पिछले कई सालों में 2006-07 में भी
ऐसा हुआ, 18 में ऐसा हुआ, फिर 20 जो 21-22 है उसमें भी ऐसा हुआ। तो ये पैटर्न लगातार चेंज कर रहा है और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि हिमालय में अगर समय पर जो उसका बर्फबारी का समय है, अगर उस समय बर्फबारी नहीं हुई तो जो आने वाले गर्मियां हैं होती हैं उनमें बहुत बड़ा जल संकट खड़ा हो जाता है, खासतौर न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि जो मैदानी इलाके हैं। और बर्फबारी अगर हो भी रही है तो वो फरवरी मार्च और अप्रैल में हो रही है, उसका सीधा असर पड़ रहा है कि बर्फ रुकती नहीं है, पिघल जाती है उस समय अगर बर्फबारी होती है। और जब अभी बर्फबारी होती है तो वो स्टेबल रहती है कई महीने तक और पानी धीरे धीरे पहाड़ों से रिश्ते रिश्ते नीचे की तरफ बढ़ता है। चारों तरफ देवदार और बांज बुरांस के पेड़ों से घिरा कनोल और बड़गुना गांव वाकई में प्रकृति प्रेमियों के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। इस गांव को इसलिए भी लगातार हम प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इन पैदल रास्तों से होकर जब आप इन गांव में पहुंचेंगे तो वाकई ये रोमांचक सफर होगा। जरा सा पैर आपका फिसला और सैकड़ों मीटर नीचे गहरी खाई में आप। बरसात में इस गदेरे को पार कर बच्चे स्कूल जाते हैं। सोचिए किसी गर्भवती महिला को अगर अस्पताल पहुंचाना हो तो कितनी मुश्किलें आती होंगी, किसी बीमार को अगर अस्पताल जाना हो तो कितना खतरों भरा ये रास्ता है। ये कहानी केवल कनोल और बड़गुना की नहीं, पहाड़ों में सभी गांवों के हालात एक जैसे हैं। पलायन तेजी से बढ़ता जा रहा है, खेती कम हो रही है और साल दर साल त्रासदी की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। न जाने बरसात में किस गांव पर बादल फटने के बाद तबाही आ जाए। सीमांत गांव की कहानियां आगे भी जारी रहेंगी। फिलहाल नमस्कार, जय नंदा, जय हिमालय।